नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा। हर माह में दो बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है भक्तों, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 27 अप्रैल को है, यानी कि आज है। इस अवसर पर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की पूजा करने से सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। अगर गणपति भगवान की को प्रसन्न करना चाहते हैं आप, तो उन चतुर्थी के दिन उनकी पूजा अर्चना अवश्य करिए। जो भी मनुष्य इसकी पूजा विधि पूर्वक करते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान हर लेते हैं। देवी देवताओं ने भी गणेश भगवान की पूजा सर्वप्रथम की थी, जिससे उनके कार्य में सिद्धि प्राप्त हुई थी। आप भी अवश्य अपने कार्य की सिद्धि के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जैसे कि हमेशा हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये कार्य करिए, उसी तरह जैसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक कार्य अवश्य करिए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए गणेश भगवान के मंदिर में जो भगवान जी का टूटा हुआ दांत है, उस तरफ आप दुर्बे का एक गट्ठर, 11 गट्ठर, 21 गट्ठर ऐसा करके आप अवश्य चढ़ाइए। वो भी नहीं कर सकते तो एक दुर्बा आप अवश्य गणेश भगवान को समर्पित करिए। हर बुधवार को प्रतिदिन करेंगे तो और अच्छा है। कार्य की सिद्धि आपकी होने लगेगी, आपके सारे रुके हुए कार्य जो हैं वो जल्द से जल्द सम्पन्न होने लगेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सुनाते हैं वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का कथा। पार्वती जी ने पूछा, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजा करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने, यानी बहुत ध्यान लगा के आप सुने। हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रत्नदेव नामक प्रतापी राजा हुए हैं, जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला देती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाश सकते। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना लिया था। व्रत और उपवास रखने से उसका शरीर जर्जर हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कुशकाया कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौत की यह व्यंग भरी बात सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह प्रतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक
गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और कहा। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हुए हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर ही मोती और मूंगा ऐसा प्रवाहित होता रहेगा, यानी मोती और मूंगा झड़ते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी ही वही अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला का घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के घर में ही अपने पुत्र और पुत्री का लालन पालन करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे इच्छा करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धक्का मार दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देख करके चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह अत्यधिक दुखी हुई। उसने सोचा कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता हो, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपने पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। इसका कोई भी संशय नहीं है। जिसका रक्षक देवता होते हैं, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वह अपनी करनी से स्वयं ही नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट विनायक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह पर से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौ चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी ये कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्म परायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी के परिवार पे गणेश भगवान की कृपा निरंतर ही बनी रहे। हर हर महादेव।